खनिज संपदा की। खनिज संपदा में जो सबसे माइनर जो खनिज है बालू, उसकी भी भयंकर तस्करी इस प्रदेश में हो रही है। नदी में आज बालू बचा ही नहीं, हालत ये हो गई। झारखंड प्रदेश में जहाँ जो गृह निर्माण का काम चलता है, अगर नदी नाला से कोई बालू बैलगाड़ी में भी लोग ढो के लाते हैं, ट्रैक्टर में भी लाते हैं, तो उसको तो पुलिस पकड़ती है, लेकिन बड़े बड़े ट्रकों में झारखंड से बाहर जाता है उसको पुलिस पकड़ती नहीं है, उसके लिए पासिंग कर देती है, यहाँ से वहाँ वसूली हो रही है। तो आए दिन झारखंड में वसूली, और वसूली का हद ये हो गई जो इलीगल सब जगह काम हो रहा है, तो राज्य के मुख्यमंत्री भी उसे पीछे नहीं। इलीगल वसूली तो करते और कराते भी हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से, आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज कराई, और इतना ही नहीं, उनके जो प्रेस सलाहकार है उनके नाम से, उनके विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से खदान की लीज। ये जो लूट की फहरिस्त है, आपने देखा होगा कि उससे पहले हम सब लोग गवर्नर को जाकर के मिले थे, हम लोगों ने कहा कि इन्होंने पद में रह करके मुख्यमंत्री होते हुए, खान मंत्री होते हुए खदान की लीज अपने नाम पर करना कानूनी रूप से अपराध है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसका भी वो वायलेशन है। भारत सरकार की जो सरकारी सेवकों के लिए जो आचार संहिता बना हुआ है उसका भी उल्लंघन है, जो कि मुख्यमंत्री मंत्री है उसके ऊपर भी वो कोड लागू होता है। इसलिए हम सब लोगों ने राज्य से, राज्यपाल से अपील की थी कि आप इनको बर्खास्त करें, क्योंकि इन्होंने गैरकानूनी काम किया और इनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए। आप सबने देखा होगा कि दो दिन पहले राज्य के राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया उस पर, और चीफ सेक्रेटरी ने जो उत्तर दिया, जो अखबारों में छापा है, आप सब लोगों ने देखा होगा, उत्तर में यह दिया है कि खान विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री ने खदान को सरेंडर किया। अब ये बड़ा सोचने की बात है, अगर कोई चोर या डकैत पकड़े जाए और कहे कि सामान हमने वापस कर लिया, इसलिए उनके कोई जुर्म कम नहीं होता है। और इसलिए हम तो मांग करते हैं कि सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता, तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, नहीं तो राज्यपाल उनको बर्खास्त कर। हम सब ने तय किया था कि इस लड़ाई को हम लोग जमीन पर ले जाएंगे, लेकिन इस वक्त चुनाव की घोषणा हो गई, पंचायत चुनाव के, इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन तो नहीं होगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इन सारे मुद्दों को लेकर के पार्टी आंदोलन करेगी, और हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे कि जब तक इस सरकार को सत्ता के सिंहासन से हम लोग उतार नहीं लेते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि तो सरकार लूट भी रही है, लुटा भी रही, इलीगल काम कर रही, अब ये सरकार झारखंड की जनता के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। जितना दिन झारखंड में ये सरकार बने रहेगी, राज्य का उतने ही नुकसान होगा। मुझे लगता है कि हमारे ओर से जितना कुछ कहना था मैंने सब कह दिया आप सबको। आप सबको अगर कुछ पूछना हो तो जल्दी जल्दी क्या? मैंने देखा अखबार में पढ़ा है, तो मैंने कहा कि भाई बहुत ही सीनियर विधायक है राय जी, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, मैंने उनको सलाह दिया है कि भाई आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त कर, यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हो? इसलिए बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त किया जाए, उसकी आप मांग करें तो एक सादे सौ सादे वाली बात है, और इस सरकारी बर्खास्त हो जाएगी तो सब मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको विपक्ष दल का नेता नहीं मांगा, इसका मामला बनता, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि हमको विपक्ष में रखना, हमें सत्ता में ही पहुंचना चाहिए, इसलिए हम सब लोग आप संघर्ष कर रहे हैं। अब उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होगी तो सब कुछ पता चल रही है, हम तो सब कुछ इलीगल ही काम हो रहा है सरकार। अब 21 तारीख से हम लोग 30 तारीख तक उसको एक फर्स्ट फेज का तय किए हैं, और वो शहरी क्षेत्र में कार्यकर्ता तय करेंगे बैठ करके, आंदोलन को आंदोलन होता है, आंदोलन का कई रूप होता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है उसी तरीके से होती है। अब प्रारूप तय ही है, आंदोलन का जैसे होता है धरना होता है प्रदर्शन होता है,
सर आपने बोला कि विपक्ष को नहीं रखना चाह रहे हैं सत्ता में, तो क्या सत्ता बनाने की कोई बीजेपी कोशिश कर रही है? अब ये सरकार को हम लोग बर्खास्त करेंगे तो इसके बाद बनाएंगे ना हम लोग आगे, चाहे जैसे भी बनावे, चुनाव करके बनावे या जो करके। हेमंत सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। अरे भाई, जो सरकार इल्लीगल काम करती है तो उसको तो गिराने ही चाहिए, उनसे तो त्यागपत्र मांगे ही नहीं चाहिए। आप बताइए, अगर खदान को लुटवा ही रहे हैं, लुटवा तो रहे, खुद भी लूट रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं जिसको बोलते हैं ना देहात में लगुआ भगुआ, वो लोग सब लूटने में लगे हुए, तो क्या किया इस सरकार को? अब आरती हम लोग थोड़े उतारेंगे इस सरकार की, इसको तो उतारना ही पड़ेगा गद्दी से, तभी झारखंड बचेगा। सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष का नेता बदल दीजिए, विपक्ष का नेता हो जाएगा, आप बदलना। हमने कहा कि भाई नेता बदलने की, विपक्ष का नेता है आप, तो अपोजिशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई अपोजिशन के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। साथ में सर किसको, कांग्रेस या जनता हमारे साथ है। अच्छा, राज्यपाल के साथ सरकार का नई ट्यूनिंग हो रहा है, दो तीन तो विधेयक में साइन नहीं हुआ। क्या हुआ राज्यपाल के साथ? दो तीन तो विधेयक में साइन नहीं हुआ राज्यपाल के साथ। अब देखिए, कई विधायक तो उन्होंने इलीगल बनाया। आप सबको पता होगा कि पहली दफा के जो एक विधायक क्या कहते हैं मोहम्मद सिंह, उस विधायक में ढेर सारी खामियां हैं। हम सब लोगों ने सदन में भी विरोध किया था, हम लोगों ने कहा कि भाई इसको आप हड़बड़ी में क्यों ला रहे हैं? दो लोगों को भी उन्होंने मौत माना, फिर सोशल मीडिया भागी वगैरह में भी कोई ये करेंगे तो उसको भी वो मौत मानते हैं। हम लोगों ने तो गवर्नर को भी जा करके कहा है कि भाई आप इस पर साइन नहीं करें, ये गलत है, इस प्रकार की थोड़े कानून होता है, हड़बड़ी में कानून बनाते हैं। अभी उन्होंने कृषि कानून बनाया टैक्स लगाने की, पहले क्या बोलते हैं 2% लगा, बताओ भाई यहाँ तो झारखंड कृषि प्रधान राज्य जरूर है लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं उसको मंडी में यहाँ कोई किसानों के उत्पाद वस्तु वहाँ जाते ही नहीं है, यहाँ तो GST या बाकी देख करके लोग वहाँ से लाते हैं सामान, खाली एक प्रकार से यार्ड है समझ लो। सर महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर आप लोग या जो भी खाने पीने की चीजें तो उस पर आपका क्या पक्ष रहेगा उसको लेकर? हमारी प्रतिक्रिया क्या रहेगा भाई, हम लोग जानते हैं कि महंगाई किस कारण से बढ़ी है, सबको पता है, दुनिया को पता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है जिसके कारण से पेट्रोलियम कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, और भारत चाह भी रही है कि युद्ध समाप्त हो जल्दी से जल्दी, और इसकी कोशिश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए। हम समझते हैं कि जल्दी समस्या का समाधान हो तो फिर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है भाई, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई स्टैंड साफ रही है, साफ तो उनको करना है क्या रही है हमारे क्या रही है। पिछले सरकार जब रघुवर दास जी थे उन्होंने 1985 को कट ऑफ डेट तय कर दी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भी अगले 10 वर्षों तक थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति में झारखंड के बच्चों की होगी। हेमंत सोरेन को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कह दिया और अगले 10 वर्षों की उन्होंने खत्म कर दिया, और कहा कि झारखंड में जो 10th और 12th पास करेंगे यहाँ के बच्चे उनको थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति होगी, और उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे अगर बाहर से 10th और 12th पास करेंगे उनको हक नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो आपने गलत किया है, इसको आप ठीक करें। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी तो जब सरकार बनी थी उस समय भी किए थे, रघुवर दास जी 2014 में बने उन्होंने भी बनाया, अब इनको तय करना है। हमसे क्यों पूछ रहे हो, बीजेपी वालों से क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी को तो जब अवसर मिला बीजेपी ने किया, वो सर्कुलर निकाल करके देखो, हम तो वही सर्कुलर को एडॉप्ट किए थे सर्वदलीय मीटिंग में, लोगों ने सब पार्टी ने स्वीकार किया, बिहार सरकार की जो सर्कुलर थी 1982 की, जिस समय पंडित जगन्नाथ मिश्र हुआ करते थे राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि भाई थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को प्रथमता दी जाएगी, और उस सर्कुलर को झारखंड सरकार ने 2001 में अंगीकार किया। सर भोजपुरी और मगही में बीजेपी क्या स्टैंड करेगी? सर हमारा स्टैंड क्या है भाई, आप बोलिए कहाँ दिक्कत है? विधानसभा में उठाएंगे सर, विधानसभा में सवाल इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहारी जो है देखो वाली बात तो मैं कहूँगा कि ये गलत ट्रैक में लोगों ने इस आंदोलन को ले गया है। झारखंड में जो भाषा है वो बिल्कुल हिंदी है, किसी को कोई इसमें भर्म नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब बिहार के काल में भी झारखंड क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी पदस्थापित होते थे आप सबको याद होगा,
उनको यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में उनको एक बार पास करना पड़ता है ताकि वो अफसर यहाँ पदस्थापित हो तो लोगों से संवाद कर सके। अगर हिंदी वो नहीं जानता है तो उनके भाषा में संवाद कर सके। हाँ भाई, तो उसको भी एग्जाम देना पड़ता है, पता कर लीजिए। लेकिन बाद में उसको राजनीतिक कारणों से इस लोगों ने घोच-मोच कर दिया, आंदोलन कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग तो सब भाषा के सम्मान करते हैं और झारखंड में तो एक ही भाषा जो राष्ट्रीय राज्य की भाषा है वो हिंदी है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो हम लोग कहते हैं कि जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ लोग बोलते हैं पढ़ते वो बोले पढ़े लिखे उसमें कहाँ दिक्कत है। अरे भाई, जेएमएम के मंत्री लोग क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, वो लोग ही एक मत नहीं है, उनके अलग अलग भोंकू है, क्या क्या कर ले रहते हैं हम ही लोग नहीं पता चलता है। अरे कहाँ है वो लोग बताओ ना, उन क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री सदन में कुछ बोलते हैं, उनके मंत्री कुछ बोलते हैं, सड़कों पर कुछ बोलते हैं उनके नेता लोग, तो इसलिए उनके बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। वो लोग कौन कौन क्या क्या बोलते हैं मुश्किल है, उन लोगों से पूछिएगा। चल हो गया। आपको प्रवास बनाए हैं, बस जितना बात बता दिया ना यही सब करने के लिए आए हैं, सब जगह लोगों से मिलते हैं।